हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूट्यूब की सुपर इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में स्नान करते देखने का, नहाते देखने का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, आने वाले दिनों में क्या संकेत प्राप्त होता है, इस विषय पर बात करेंगे। चलिए मित्रों, बात करते हैं स्वप्न फल के बारे में। यदि आप सपने में खुद को स्नान करते हुए देख रहे हैं, अनेक प्रकार के अवस्थाएं होती हैं सपने में स्नान करने की, जैसे कि कुएं के जल से पानी निकाल कर स्नान करना, या नल आदि हैंडपंप से पानी निकाल कर स्नान करना, नदी आदि के पानी में स्नान करना, समुद्र आदि में स्नान करना, अनेक अवस्थाएं होती हैं। तो सभी अवस्थाओं में स्वप्न फल में बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आप सपने में नदी में स्नान करते दिखाई दे रहे हैं तो बेहद अच्छा शुभ स्वप्न होता है, आपकी प्रगति और उन्नति होने का संकेत प्राप्त होता है। और यदि आप कुएं के जल से स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं या हैंडपंप से पानी निकालकर स्नान करते दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको धन लाभ प्राप्त होने का संकेत प्राप्त होता है। और यदि आप सपने में तीर्थ स्थान में स्नान करते दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी तीर्थ में पवित्र स्थान में स्नान करते दिखाई दे रहे हैं तो ये अच्छा बेहद शुभ सपना होता है, आपकी प्रगति भाग्योदय होने का संकेत प्राप्त होता है। यदि आप समुद्र आदि में नहाते देखते रहें तो भी आपकी प्रगति और मान सम्मान में वृद्धि होने का संकेत होता है, परंतु समुद्र आदि में डूबते हुए या नदी आदि में डूबते हुए देखना अच्छा सपना नहीं होता है, अशुभ सपना होता है, इससे आपको अनेक प्रकार की समस्याओं के आने का संकेत प्राप्त होता है। झरने के पानी में नहाना भी समस्या सूचक सपना होता है। बहती हुई जलधारा में धरती आदि से निकली हुई जलधारा की फूटी हुई जलधारा से स्नान करते देखना अच्छा और शुभ सपना होता है। जलधारा को रोकते हुए देखना भी अच्छा और शुभ सपना होता है। तालाब आदि के पानी में नहाते देखना भी अच्छा सपना नहीं माना जाता है, यह अशुभ सपना माना जाता है। तो मैंने जो इस वीडियो में आपको जानकारी दी, कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।